भाई अभी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे गांजा मिल रहा है, ये देखो। तो भाई हम लगे थे यहाँ पे अनजान बनके, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जान पहचान हो चुकी है। आगे की पूरी फैमिली, पीछे की पूरी फैमिली हमें सब जान रहे हैं भाई। साउथ इस तरफ है, मतलब कि साउथ जो हमारा एंड है इंडिया का, वो लास्ट इस तरफ है, ये वाला कोना हो गया। तो भाई जी ये वो लोकेशन है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तीन यहाँ पे भाई समंदर मिल रहे हैं आपकी आंखों के सामने, बट आपको दिखेंगे नहीं। हमें पता नहीं था कि मंदिर के अंदर मतलब बिना पहने जाना है, तो यहाँ पे भाई अपना कपड़ा वपड़ा उतार रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेटी ब्लॉग्स में, और आज हमारी भारत यात्रा का है डे 330। और अभी हम हैं भाई कहाँ पे, गेस करो। अभी हम हैं भाई कन्याकुमारी, लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया, लास्ट जगह है भाई इंडिया की। आपको पता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपने गाना भी सुना होगा चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में, भाई बहुत जगह ये फेमस है और मेरी बकेट लिस्ट में भी थी। तो अपना भाई पूरा एक और ड्रीम पूरा हुआ, राम सेतु में एक हुआ, रामेश्वरम में एक हुआ, यहाँ भी एक हुआ भाई, और मज़ा आ गया यहाँ पहुँच के। एंड अभी सामने सनसेट भी हो, सनराइज भी हो रहा है, वो भी देखने को मिल जाएगा पहले आते ही, क्योंकि यहाँ का सनराइज सबसे ज्यादा फेमस है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही होगी जी, ये है कश्मीर की पिक्चर, और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, मेरा ये ट्रैवल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भाई ट्रैवल होगा वो वापसी मेरे होम टाउन पंजाब की तरफ ही होगा। तो भाई नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। यू आर वॉचिंग रियल इंडिया वाइल्ड मी, लेट्स गो। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही अभी हमें बहुत ही सुंदर एक यहाँ पे सनराइज का व्यू देखने को मिल गया भाई, साथ में एक चर्च का व्यू भी, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में, वाह यार। तो यहाँ भाई हमने एक भारत सेवा संघ आश्रम करके एक जगह देखी है, जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं इंडिया में। रामेश्वरम में भी थी, पर वहाँ थोड़ी मंदिर से थोड़ी सी दूर थी ज़्यादा, अगर हो पाया तो भाई ज़रूर वहीं पे अपना जो है रहेंगे। तो दोस्तों जिस आश्रम में आए थे, भारत सेवा आश्रम संघ, वहाँ हम आए थे, और वहाँ आके भाई जो स्वामी जी थे उनकी वेट करी थोड़ी देर, और राहुल ने उनसे बात करी, और उन्होंने हमें 3 दिन का स्टे यहाँ पे दे दिया है कन्याकुमारी में। और वैसे तो कोई ऐसा दिन भी उन्होंने मेंशन करे नहीं, जितने मर्जी दिन रुक सकते हैं, बट हमने 3 दिन का कहा है भाई 3 दिन रुकेंगे। खाना पीना, लंच और डिनर उन्होंने दे दिया है, मतलब लगते हैं टूरिस्ट के पैसे, बट हमने उनको भारत यात्रा का बताया तो भाई वो जल्दी जल्दी मान गए। और मेरे को शायद लग रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन थे, और या फिर तो वो तिब्बतियन थे भाई, इतनी सुंदर स्माइल थी ना उनके चेहरे पे, स्वामी जी थे प्रॉपर, ऐसा मतलब जो कहते हैं ना कि शांत स्वभाव वाले वो थे। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, एंड रिकमेंड करूँगा भाई कि अगर कम पैसे हैं या फिर पैसे हैं भी ना, तो यहाँ के रुकना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हो सकता है कि आपको यहाँ पे खाना पीना फ्री हो जाए अगर आप पैसे दे के रुक भी रहे हो। तो भाई जी अभी वो लड़का आया था जिन्होंने हमें चाबी देनी थी, तो ऐसा हमारा कुछ रूम है भाई, देख सकते हो फ्री में इतना बढ़िया रूम मिला, और पैसे दे के भी हमें कई बार भाई कबाड़ा मिल जाता है, बट भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बेस्ट रूम निकाल के दिया, आपको दिखाता हूँ भाई। अटैच्ड बाथरूम भी है, जिसकी मतलब भाई आप देख सकते हो हाइजीन लेवल पूरा मेंटेन्ड है, साथ में चादर वादर दे दी लगाने के लिए, बाहर का बहुत ही सुंदर व्यू। और चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, शाम को चलते हैं भाई यहाँ की आपको लोकेशंस घुमाने के लिए, यहाँ का मंदिर जो है, यहाँ का सनसेट पॉइंट जो है, यहाँ पे भाई जो लास्ट शोर है, यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, 3 ओशन वहाँ पे मिलते हैं, सब आपको शाम को दिखाते हैं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई जी खाना पीना हमारा हो गया और निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे भाई 4 चीज़ें जो हमने सोची हैं। एक तो भाई यहाँ पे जो लास्ट कॉर्नर आ जाती है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, वहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है, वो दिखाते हैं, ठीक है। सनसेट पॉइंट दिखाते हैं आपको, एक मंदिर है यहाँ पे वो दिखाते हैं, त्रिवेणी संगम दिखाते हैं, ऊपर भाई गंगा जमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है, पर यहाँ पे होता है 3 समंदरों का संगम। भाई अभी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे गांजा मिल रहा है, ये देखो। तो भाई हमारी स्टे से ज़्यादा दूर नहीं था समंदर, सिर्फ 800 मीटर के आसपास था भाई, और समंदर के पास तो आ गया, बस अभी फेरी ढूंढनी पड़ेगी कि फेरी कहाँ से मिलती है स्टैचू तक जाने के लिए। तो भाई जी अभी फेरी की लाइन में लग गए हैं, और यहाँ पे लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा लंबी है भाई। अभी ये गेट तक आपको दिख रहा होगा, गेट के अंदर भी लगी हुई है, और जो नॉर्मल टिकट है वो 75 रुपीज़ की है, और जो बड़ी नहीं मिलने जो VIP टिकट है वो है आपकी 300 रुपये की, यहाँ लिखा हुआ है। भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है अभी गेट के अंदर आके भी, पर ये है कि एक एक फेरी में ही बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, और फेरी का यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक बार अगर फेरी में जितनी भी लाइफ जैकेट हैं अगर वो सबको बांट दी गई एक बार, तो उसके बाद वो फेरी फुल है, उसके बाद वो चल जाएगी। आपकी लाइन थी भाई, मुझे लगा था कि बारी नहीं आएगी आज, बट ये है कि शायद मुश्किल से भाई आधा घंटा या 40 मिनट लगे और बारी आने वाली है। भाई यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, तो कैश ही था, हम पे कैश था नहीं, तो यहाँ पे भाई कुछ दोस्त हमें हमारे बने हैं यहीं से लोकल, तो इनसे हमने भाई कैश ले लिया, एंड उसके बाद अभी हम जा रहे हैं अंदर।
फिर भी भाई अंदर लाइन देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लग रखी है भाई। टाइम लगता है तकरीबन आपको पौना घंटा या एक घंटा लग जाएगा, उसके बाद आपके भाई बढ़िया से मतलब आप फेरी के राइड भी ले सकते हो और जो सामने टेम्पल है विवेकानंद वाला वहाँ पे जा भी सकते हो। तो भाई हम लगे थे यहाँ पे अनजान बनके, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जान पहचान हो चुकी है। आगे की पूरी फैमिली, पीछे की पूरी फैमिली हमें सब जान रहे हैं भाई, और सबके सब सब्सक्राइब करके भाई अभी देखेंगे चैनल को। एंड काफी अच्छा लगा भाई, मतलब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। ये बच्चे, ये लोग इतनी फैमिली इतनी क्यूट है ना, मतलब इनको भाई सिर्फ यूट्यूब वीडियो में आने की मतलब वो हो रही है, खुशी एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जरूर आज की वीडियो में आप जरूर रहोगे भाई, अच्छे से रहोगे। फाइनली भाई हमारी बोट आ गई, इतने अमीर हो गए कि हमने अपनी बोट खरीद ली भाई। ये लोग ज्यादा भीड़ कर रहे थे, हमने कहा अकेले ही जाएंगे, अभी चलो बोट में चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से वहाँ। भाई देखो सारे के सारे जो है ऑरेंज ऑरेंज पहन के रेडी, और हम बिना लाइफ जैकेट के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है हम ही डूबेंगे आज। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसकी भी अलग से एक टिकट है 30 रुपए की। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला हिसाब है भाई, तो कर सकते हो, बाहर नहीं मिलेगा। बट फिर मुझे पता लगा जो हमारे साथ फैमिली आ रही थी उनमें से एक का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों जब आप टिकट लेकर अपने शूज़ उतार कर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे तो सामने आपको दो मंडपम दिखाई देंगे। एक के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो देवी माँ के चरण पादुकाएं हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं, और बीच में आपको देखने को मिलेगी डायरेक्शंस, मतलब नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई साउथ इस तरफ है, मतलब कि साउथ जो हमारा एंड है इंडिया का वो लास्ट इस तरफ है, ये वाला कोना हो गया। और यहाँ पे एक और मंडपम है, इसके अंदर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, तो अंदर चलते हैं और फोटोज़ के साथ आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। तो यहाँ से भाई आप देख सकते हो कन्याकुमारी का बेस्ट व्यू भाई, यहाँ से वो चर्च देखो कितनी सुंदर दिख रही है, ये पूरा आइलैंड टाइप कितना अच्छा लग रहा है भाई देखो, और पीछे वो सुंदर पहाड़ जो ब्लर ब्लर दिख रहे हैं भाई, क्या व्यू है भाई, मस्त व्यू। तो भाई ये जो बड़ा वाला मंडपम था, इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर को यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आए थे मेडिटेशन करने के लिए, और 3 दिन वो यहाँ पे इस पत्थर पे उन्होंने मेडिटेशन करी थी, इसीलिए उनकी निशानी में यहाँ पे ये मंडपम बनाया गया है, जिसके अंदर उनकी ही एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। तो भाई जी ये वाली जगह हमारी हो गई कन्याकुमारी की विवेकानंद स्टैचू, और इसके बाद हम जाएंगे भाई सनसेट पॉइंट, देवी कुमारी मंदिर और त्रिवेणी संगम, जो कि भाई यहीं बगल में है, सारी चीज़ें वो भी दिखाते हैं, लेट्स गो। तो वापसी जाते वक्त भाई विंडो सीट मिल चुकी है, और ये सामने का नज़ारा जो कि अभी सनसेट हो रहा है, वाह भाई मज़ेदार नज़ारे। तो अभी भाई उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर व्यू दिखेगा त्रिवेणी संगम का। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भाई यहीं पे होता है त्रिवेणी संगम, और स्पेशल पूरा व्यू पॉइंट वगैरह बना रखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है। पर हमें यहाँ पे भाई एक साइकिलिस्ट मिले हैं जो कि बिहार से ही हैं। तो भाई जी ये वो लोकेशन है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, 3 यहाँ पे भाई समंदर मिल रहे हैं आपकी आंखों के सामने, बट आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि समंदरों की लहरें इतनी तेज़ होती हैं भाई, और अभी भी हम इतना ऊपर तो है नहीं कि ऊपर से आपको व्यू दिखा पाए कि आपको अलग अलग दिख जाएंगे रंग वगैरह कुछ भी। वहाँ आपको मैं बता सकता हूँ कि ये भाई अपनी वेस्टर्न साइड है जिस तरफ से भाई अपना इंडियन ओशन आता है, ये अपनी साउदर्न साइड है जिस तरफ से भाई अपना जो है अरब सी आ जाती है, और ये अपनी आ जाती है भाई ईस्टर्न साइड जिस तरफ अपना जो है द बे ऑफ बंगाल, और यहीं पे आके भाई जो तीनों सब यहाँ पे आके जो है अपने समंदर वो मिल जाते हैं। तो भाई काफ़ी टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे भाई आ चुके हैं जो कि बिहार से ही हैं, और ये भी पूरा इंडिया घूम रहे हैं अभी साइकिल से। अभी इनको भाई तकरीबन 3.5 महीने कंटिन्यू हो चुके हैं, और उससे पहले भी घूम चुके हैं एक बार नॉर्थ ईस्ट में 2 महीने, और अभी पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। सेम प्लान है हमारी तरह ही, अभी कन्याकुमारी आए, इससे पहले रामेश्वरम में थे, अभी केरला जाएंगे, तो इनसे बातें चल रही हैं भाई सबके साथ। ये झंडा लगा के अभी पूरा भाई अट्रैक्शन आ जाता है, हम भी लगाने वाले हैं तो मज़ा आ जाएगा। और हम अब जा रहे हैं भाई अगली लोकेशन पे जो कि है हमारा टेम्पल, यहाँ का जो सबसे मेन है देवी कुमारी टेम्पल, जिनके नाम पर भाई कन्याकुमारी का नाम भी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही हैं जो आज आपको दिखाई गई हैं। और चलिए ये सामने टेम्पल है, वहाँ चलते हैं
और बाहर आके आपको थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री बताएंगे। हमें पता नहीं था कि मंदिर के अंदर मतलब बिना पहने जाना है, तो यहाँ पे भाई अपना कपड़ा वपड़ा उतार रहे हैं और भाई भी हमारे यहाँ पे भाई पूरा पहली बार अपना कपड़ा वपड़ा उतार के अंदर जा रहे हैं। तो भाई अभी हम मंदिर से माथा टेक के बाहर आ चुके हैं, अभी कन्याकुमारी देवी मंदिर के बाहर हैं और यहाँ की हिस्ट्री कुछ इस तरह की है भाई। यहाँ पे एक बार एक दानव हुआ करता था जिसने सारे देवताओं के ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी किसी खेल के दौरान, पर उन्हें उसे सिर्फ एक ही ऐसी ही लेडी मार सकती थी जो कि मतलब कुंवारी हो, जो कि वर्जिन हो, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो उस वक्त जो है कन्याकुमारी जो माँ थी उनका जन्म हुआ जो कि पार्वती जी का ही रूप थी, तो उन्होंने आके जो बनासुर नाम का यहाँ पे राक्षस था उसे मारा और उसके बाद वो पार्वती जी का ही रूप थी तो उनकी शादी शिवा से हुई। यही कहानी थी इस मंदिर की और इसी से जो है कन्याकुमारी का नाम भी पड़ा है। तो दोस्तों अभी वापस आ चुके अपनी स्टे पे और थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाएंगे। जो भाई हमें मिले थे भाई साइकिलिस्ट, वो हम साथ ही मिले हैं क्योंकि भाई इनको अभी कंफर्म नहीं थी कहीं पे स्टे, तो हमने कहा भाई इधर ही आ जाओ, ये सबसे बढ़िया स्टे है, स्वामी जी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अभी साथ में स्टे करने वाले हैं और आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।